जी हेलो सामिंग गाइस, वेलकम टू फूड फोमैनियक शो। मैं शाह का और एक बार फिर हाजिर। आज हमने आपको बर्गर के रिव्यू दिए, पिज्जे के रिव्यू दिए और डिफरेंट चीज़ों के रिव्यू दिए। आज हमें कुछ नया लाए आपके लिए। आपने सुना होगा कश्मीरी चाय, आपने सुनी होगी नमकीन चाय। तो गाइस आज हम आपके लिए लाए हैं तंदूरी चाय और ये लोकेटेड है UMT के अपोजिट साइड पर। और ये दिखा सकते हैं इनकी सेटिंग वगैरह। ऊपर से दिखाया, नाम दिखाया ठीक। इसका बहुत अट्रैक्टिव बनने का तरीका वो हम आपको दिखाते हैं। हमने ऑर्डर किए हैं 2 तंदूरी चाय, तो लेट्स सी कैसी होती हैं। बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बेस्ट आ रहा है। अच्छा तो आपने ये सेटअप शुरू किया है, ठीक हो गया। मेरा पार्टनर है अली, मैं अच्छा। बुला लेता हूं उसको, अली को बुलाना। हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, अली को बुलाना। अभी दें जरा प्रोसीजर के क्या है, प्रोसेस जरा बता दें। ये तंदूर लगा हुआ है हमारा, इसको हम सुबह से जो है वो हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। चारकोल पे करते हैं इसको, कोयलों पे करते हैं, गैस नहीं यूज करते, ताकि हमें जो है वो टेस्ट आए, वो एसेंस जो है वो मिट्टी की आए। जब ये अच्छी तरह पक जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे हमारी चाय तैयार हो रही होती है, जिसमें 3-4 डिफरेंट जो है वो पत्ती है, जो टी है हमारी। उसके अलावा दूध जो है उसमें हम लोग पानी वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, ताकि क्रीमी टेस्ट उसी से ही आता है ज़्यादातर। फिर एक दफ़ा अच्छी तरह जब चाय बनी होती है और वो मिट्टी के बर्तन में फिर से एक दफ़ा जब हीट होके जाता है ना बर्तन, तो आपने ये पहले हीट कर दी है उसको। ये हीट कर दिया, अभी जाएगा ना इसमें, ये फिर से बॉयल होगा एक दफ़ा। ये चीज़ जो है ये तो इसमें क्रीमीनेस ऐड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉयल करते हैं उतनी गाढ़ी मलाई आती है। बात तो यही है, चाय का मजा वही है जो बहुत ही गर्म चाय हो ना। ये जो डिस्पेंसर्स वगैरह से बनाते हैं लोग, ये कोई चाय होती है एक्चुअली जो इंडिया में था ना, तो ये देखिए अब वो फिर से बॉयल कर रहा है, वो इतना गर्म जो है वो बर्तन होता है। इंडिया में जो था उन्होंने डिस्पेंसर रखा हुआ था, हम लोग भी डिस्पेंसर लेके आए थे, लेकिन एक दफा हमने हुड ट्राई किया, हमें वो काफी सस्ता भी चीप भी पड़ रहा था, लेकिन उसमें ये है कि वो चाय का मजा नहीं आता। मैं खुद खिलाफ हूँ ये डिस्पेंसर से चाय बनाते हैं। हमारे ये नीचे डिस्पेंसर पड़ा हुआ, लेकिन हमने वो फिर उसका जो आइडिया हमें खुद पसंद नहीं आया, तो हमने कहा कस्टमर्स को भी जाना, हमने वो नहीं देना। कप हम लोग मिट्टी के यूज कर रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली जर्म्स वगैरह जो है वो किल होते हैं, सुनना था तो वो किसी अच्छी चीज की वजह से जो है वो और इसका मजा भी डिफरेंट ही है। डिफरेंट है, सर्दियों में बड़ा मजा आएगा। ये अभी आगे सीजन स्टार्ट हो रहा है कब। हाँ ये तो आपने बिल्कुल अच्छे टाइम में। चले बाकी इसको पी के बताते हैं। 80 रुपीज़ का कप है, तो बाकी पी के दिखाते हैं कैसा है। जी गाइस, गाइस हमें सर्व हो चुकी हैं 2 चाय, चीनी अलहदा कप। आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ का बड़ा हैवी कप है, तो अब पीते हैं इसको, आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन करा दो, आपको करवा दें। हाँ जी करा दो जी, हमारे साथ हैं, आप खुद ही करा दो। नहीं मैं क्या कराऊँ, आप करा दो। हसन साहब हैं हमारे साथ, चाय टेस्ट करने आए हैं, तो इनको करवाते हैं। शुरू करें, आपको टेस्ट करते हुए देखना चाह रहे हैं हम। अभी इसमें चीनी है कि नहीं? नहीं है, पी के देख लो। चाय गरम है, चीनी इस तरह डालते हैं ये। अब ये चीनी डालना भी दिखाओगे? हाँ बताओ बताओ, जितनी चीनी आपको चाहिए हो उतनी आप डालें, ठीक है, बाकी जाया ना करें, है ना। हाँ बाकी जाया ना करें। वैसे कप ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी और चीनी चाहिए। उनको बता दें इस कप में कितनी चीनी ठीक रहेगी। अच्छा चलो यार बताओ, मुझे क्या बता। कैसा है यार? अभी मैं पी के बताता हूँ ना थोड़ी देर तक, तो मुझे बताओ ना, देख लूँ अभी पहले सिप है और गर्म बहुत है। चले हम आपको बताते हैं। मैं साथ ही मैं पी आया। क्या पी आए हो तुम? कैसी लगी जी? यार मैं चाय लवर तो नहीं हूँ वैसे। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में चाय लवर को भी शायद पसंद ना आए। अच्छा मतलब कि यार अब बुरी नहीं थी।
यार मे भी एक वजह ये हो सकती है कि नई चीज है इसलिए आप यूज्ड टू ना हो। नहीं देखो पता क्या है कुछ ज्यादा मुझे डिफरेंट नहीं लगी। ठीक है एक अच्छी चाय थी और अच्छी तरीके से बन गई। अब वो मेरे अंदर जाके मुझे टेस्ट नहीं मिला वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम बताओ बेहतर, मैं तुमसे तुम्हारा रिव्यू बना लूं तो बेटर है। अच्छा चलो सही है, मैं बताता हूँ। जी गाइस तो हमने आपको रिव्यू दिया तंदूरी चाय का। शुरू करते हैं, पहले तुम बताओ जो भी कहोगे सच सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। बनाने का तरीका बहुत अच्छा था, ठीक है ना। मैंने इंडिया का भी देखा वीडियो, मैंने कराची में बन रही है वो भी देखी, मैंने यहाँ बनी वो भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक जो चाय बन के आई ना वो इतनी अच्छी लगी, मतलब कि जो सीरियसली ये मोर ऑफ अ दूध पत्ती थी बजाय इसके तंदूरी चाय कड़क चाय होने के बजाय। ए भाई तंग कर रहे हैं जाते भाई को, इसीलिए भाई डिस्ट्रैक्ट हो गए। वैसे बाकी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था तंदूरी जिस तरह होता है ना, क्योंकि मुझे पसंद है बहुत कड़क सी चाय। मैंने जैसे उस वक्त पहले भी कहा कि डिस्पेंसर वाली चाय जो बिल्कुल गर्म नहीं होती उसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब तंदूरी चाय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग होगी यार पत्ती, स्ट्रॉन्ग पत्ती। जिस तरह हम अपने घर में पतीले में बनाते हैं ना, सिप लेने से अंदर से जला देती है। अच्छा ऐसी कौन सी चाय है जलाती, जो मेटाफोरिकली जलाती है, ठीक है ठीक है, मजा आता है। ये थोड़ी सी ठंडी भी थी, इतनी कोई कड़क भी नहीं थी और दूध पत्ती थी। दूध पत्ती असल प्रॉब्लम शायद दूध पत्ती का, दूध पत्ती ऐसी अखीर अखीर आपको मिलेंगी ना। और मैं तो मैंने अंदर से ग्लास में भी काम ग्लास ने भी कुछ नहीं दिया, मतलब ऐसा टेस्ट मैं समझ रहा था तो ग्लास ही कुछ भाई ग्लास भी खा गए ना इसलिए भाई ग्लास का टेस्ट भी बता रहे हैं। भी ग्लास का टेस्ट आएगा, मैं समझा ग्लास का टेस्ट अभी छोड़ता कुछ नहीं छोड़ा उसने। तो खैर स्टार्टअप था, उन्होंने एक नई चीज़ लाई, उनके एफर्ट के लिए फुल मार्क्स देते हैं। और हमारा ये रिव्यू था, मतलब हमारा सोली रिव्यू अपना है, आपको अच्छी लगे ना लगे। आपने पी है तंदूरी चाय? आप डी लवर हैं? अच्छा वो भाई एम ही खड़े हुए उनसे पूछना शुरू हो गए हैं। शायद आप यूएमटी में पढ़ते हैं? हम यूएमटी के वैसे भी सामने खड़े हैं यार। 80 रुपए की चाय है, ठीक है ना, थोड़ी महंगी है। बड़ी मुश्किल से मेरे पास पैसे कम थे, मैं ये चेक करने आ गया ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अच्छा यार भाई भी रोना शुरू हो जाएंगे, तुम भी रोना शुरू हो जाओगे। मैं स्टूडेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हालांकि अभी स्टूडेंट नहीं हूँ तो मेरा हाल ये है। तो गाइस हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने पीनी टोटली आप पे है, ये आप पे है, हम आपको रिकमेंड तो नहीं मतलब करूंगा, एक नई चीज है टेस्ट नहीं, वैसे रिकमेंड कर दिया जाए क्योंकि पता क्या है यहाँ पे उन्होंने एफर्ट किया, एक न्यू वे से वो चाय बना रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी ये भी बता दो कि मे भी हम दूध पत्ती लवर नहीं है, शायद हम इसलिए पसंद नहीं आए। मैं दूध पत्ती लवर हूँ, मैंने मरी में मिलती दूध पत्ती है, और अभी भी किसी भी पठान के पास चले जाओ इससे 100 गुना ज्यादा दूध पत्ती अच्छा बना के देगा, और वो अपने छोटे से जो कपी होती है उनकी वो बहुत अखीर होती है। तो खैर चले, आप बनाने वालों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, मतलब अपने ऑडियंस को तो आप रिकमेंड शायद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि नहीं कर रहे? यार मर्जी है, मैं कह रहा हूँ एट योर ओन रिस्क, मैंने आपको बता दिया, आपको दिखा दिया। चले इसमें क्या ऐसी कमी थी जिसको आप कहते हो कि वो अगर की जाए तो मे बी शायद स्पेशल हो जाए? इनका रेसिपी यही बनाने की हो जो हमें पसंद नहीं हो और बाकी वाम को पसंद आए। मैं ये नहीं कह सकता है कि अब इनको रेसिपी चेंज करते हैं, अब इससे ज़्यादा वो क्या बना लेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद और गर्म करके अगली बार बनाएं तो अच्छा है। अच्छा वैसे अमाउंट की बात की जाए अगर चाय की, 80 रुपये? नहीं वैसे मैं आपको बताऊँ, ये काफ़ी ऐसे देखे हैं रेस्टोरेंट जो बहुत महंगी महंगी चाय बेचते हैं, ये 80 रुपये फिर बहुत मुनासिब थी और जो क्वान्टिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और सर्दियों में फिर मज़ा आएगा। लेकिन सिंपल ही चाय, इसको ये ना कह के जाएं कि आप कोई अखीर ही चीज़ पीने जा रहे हैं, मतलब सर्दियों का इंतजार करें फिर चाय पीने। हाँ, ऐसा ही है, और कोई साथ लाएं जिससे आपको मजा भी आता है बैठ के, मुझे आ जाता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मेरा मतलब है कि कुछ सही अच्छे दोस्त लाएं, ठीक है ना। तो गाइस आज हम यही रैपअप करते हैं अपना रिव्यू, मैं शाहदेव आपको रिव्यू दे रहा था तंदूरी चाय का। FoodPhomaniacs पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट टाइम नए रेस्टोरेंट के साथ हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।